सभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित की जाती है। संसद की सुरक्षा में चूक को लेकर हर रोज कई अपडेट सामने आ रही हैं। पुलिस लगातार इस मामले में नए नए खुलासे कर रही है, तो वहीं इस मामले में अब आरोपी अमोल के पिता का बड़ा बयान सामने आया है, जिनका बयान आपको हैरान कर देगा, एकदम चौंका देगा। आरोपी अमोल शिंदे महाराष्ट्र के लातूर का रहने वाला है। इस घटना के बाद परिवार अब इस घटना के बाद अमोल से बात करना चाहता है। अमोल के पिता धनराज शिंदे ने कहा कि अमोल से हमारी एक बार तो फोन पर बात करवा दीजिए, नहीं तो हम खुदकुशी कर लेंगे। जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र से उनके पिता का बयान अब सामने आया है। लातूर जिले के गांव में रहने वाले अमोल के माता पिता मजदूरी करके अपना जीवन गुजर बसर करते हैं। अब संसद की सुरक्षा की चूक पर उनके बेटे को गिरफ्तार किया गया था। बेटे की गिरफ्तारी के बाद उनका रो रो कर बुरा हाल है। इसके चलते अमोल के पिता धनराज शिंदे ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि आने वाले 3 दिनों में अमोल से हमारी बात करवा दीजिए, नहीं तो मैं शहर के मेन रोड पर जाकर खुदकुशी कर लूंगा। हमारे पास चाय पत्ती तक के खरीदने के पैसे नहीं हैं, इसलिए अमोल से मिलने दीजिए, मैं दिल्ली नहीं जा सकता, हम मजदूरी करते हैं। अमोल के पिता ने कहा कि संसद की सुरक्षा में सैंध का मामला सामने आने के बाद बीते 4 दिनों से जांच टीम घर पर पहुंच रही है और पूछताछ में जुटी है, इस वजह से मैं काम पर नहीं जा पा रहा हूं। 4 दिनों से मजदूरी करने के लिए घर से बाहर नहीं निकल पा रहे, अब हमारे पास पैसे कहाँ से आएंगे? हमारे पास तो चाय की पत्ती तक के खरीदने के पैसे नहीं हैं। हमारी इस हालत को समझते हुए सरकार एक बार अमोल से हमारी फोन पर बात जरूर करवाए। इतना ही नहीं, आगे सुनिए। अमोल के पिता धनराज शिंदे ने कहा कि सरकार मेरी अमोल से बात तो करवा दे, नहीं तो मैं 3 दिनों के इंतजार के बाद मैं चाकुर शहर के मेन रोड पर जाकर खुदकुशी करने वाला हूँ। ये कहकर अमोल के पिता धनराज शिंदे ने सबको चौंका दिया। उन्होंने कहा कि अमोल ने कौन सा बड़ा गुनाह किया है, ये भी सरकार हमें बताए, कम से कम मेरी अमोल से बात ही करवा दे। तो वहीं दूसरी ओर पुलिस भी लगातार इस मामले की छानबीन में लगी हुई है। दिल्ली पुलिस इस मामले के आरोपी यूपी के लखनऊ में रहने वाले सागर शर्मा के भी घर गई। वाले कहाँ हैं?